तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि जल महल में इंदिरा रसोई का करेंगे निरीक्षण सीएम अशोक गहलोत। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि जल महल पहुंचेंगे सीएम अशोक गहलोत, और अभी आप सुन रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने संबोधित किया तमाम लोगों को, खिलाड़ियों को। और अब जब खबर आई है कि वो व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं जल महल रसोई, तो वहां पर मेयर मुनेश गुर्जर जल महल में पहले ही पहुंच चुके हैं, इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तमाम स्थितियों का जायजा लिया जा रहा है। एलएसजी सचिव जोगाराम जल महल पर मौजूद हैं, यानी कि सीएम के आने से पहले ही तमाम बड़े अधिकारी पहुंच गए हैं जल महल। पहुंचेंगे अब से कुछ ही देर में सीएम अशोक गहलोत और वहां पर स्थिति का जायजा लेंगे। जल महल में इंदिरा रसोई का निरीक्षण करेंगे और इस निरीक्षण के लिए अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे उन्हें पता चला कि सीएम अशोक गहलोत वहां पर पहुंच रहे हैं, एलएसजी सचिव जोगाराम भी जल महल में मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं नगर निगम हेरिटेज कमिश्नर समेत निगम के तमाम अधिकारी इस वक्त जल महल में इंदिरा रसोई का निरीक्षण करने पहुंच रहे सीएम के आने से पहले ही पहुंच चुके हैं और तमाम स्थितियों का जायजा लिया जा रहा है। संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ गए हैं। संवाददाता विष्णु से हम जानेंगे, विष्णु आपसे जानना चाहेंगे तमाम खबर के बारे में, कितनी देर में जो है सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे, क्या कुछ उनका आगे का कार्यक्रम है? देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 15 से 20 मिनट बाद जो है जलगांव स्थित जो इंदिरा रसोई है वहाँ पहुंचेंगे, वहाँ तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे। इससे पहले जो जनाना अस्पताल है वहाँ जो इंदिरा रसोई है वहाँ सीएम का जाने का कार्यक्रम था, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम बदला और उसके जल महल आने का अब जो है कार्यक्रम है। उससे तमाम जो स्थिति को लेकर जो निगम के अधिकारी हैं उनके हाथ पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो व्यवस्था है जो निगम की ओर से की गई थी वो जो जनाना अस्पताल है चांदपोल सर वहाँ की गई थी। अब जब मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम बदला है, मुख्यमंत्री ने तय किया कि जो चांदपोल ना जाकर जल महल आएंगे, तो यहाँ तमाम जो व्यवस्थाओं को संभालने में अधिकारी जुटे हुए हैं। तमाम जो इंदिरा रसोई के आसपास जो कचरा जो पड़ा था उसको हटाने के लिए जितनी मशीनें लगाई गई हैं, साफ सफाई कराई गई है, गमले मंगाए गए हैं, तो कुल मिलाकर तमाम व्यवस्थाओं को संभालने में जो है अधिकारी जुटे हुए हैं। जी ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन से अधिकारी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं? देखिए अधिकारियों की बात करें तो निगम कमिश्नर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एलएसजी सेक्रेटरी हैं जोगाराम वो मौजूद हैं, डीएलजी डायरेक्टर हैं और जो इंदिरा रसोई के जो नोडल अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही मेयर मुनीश गुर्जर यहाँ पर पहुंची हैं, डिप्टी मेयर हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो कुल मिलाकर तमाम जो अधिकारी हैं संबंधित अधिकारी निगम और डीएलजी के वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब इंतजार है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो कि करीब 15 या 20 मिनट बाद यहाँ जल महल पहुंचेंगे। जी आपसे भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से वहां पर निरीक्षण करने के लिए इंदिरा रसोई का पहुंच रहे हैं सीएम अशोक गहलोत, उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा और वहां पर जिस तरीके से ये देख रहे हैं कि तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं सीएम के पहुंचने से पहले ही, किस तरह का वहां पर हलचल देखी जा रही है, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि अगर सीएम का पहुंचना वहां पर है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों में जो है ये हलचल होनी जरूरी है कि सीएम का क्या कुछ रुख होगा, सीएम क्या कहेंगे, और सीएम जो यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी बताएं। देखिए पूजा तमाम तरह के इंतजाम अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं हड़कम अधिकारियों में मचा हुआ है कि रसोई का निरीक्षण करने आ रहे हैं, संभवतः है यहाँ जब मुख्यमंत्री आएंगे तो खाने की क्वालिटी है उसको चेक करेंगे, उसका यहाँ पर वो खाना भी खाएं, तो तमाम जो अधिकारी हैं वो अब फिलहाल जो आसपास की जो साफ सफाई है इस तरह व्यवस्था है उनको देखने में लगे हुए हैं। तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री करीब 15 से 20 मिनट यहाँ पर पहुंचेंगे, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मेयर मुनीश गुर्जर पहुंची हैं और जो स्थानीय आसपास के जो पार्षद हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।